बोलो राधे राधे, आइए राधे राधे। जानते हैं श्री कृष्ण के शिव मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीति का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदार होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार है, वही इस संसार की शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, तो जो खो दिया उसके लिए रोते क्यों हो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपके पास से खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करे, ये अनुभव क्षण भंगुर है। ये आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी भी डरिए मत। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इस शरीर को मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो और आत्मा की सुंदरता अपने आप को कृष्ण में, श्री कृष्ण में लीन करने पर ही मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल है, इसको नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है या इधर उधर भागता है, तो किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण।